हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी टॉक्स। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग फेसबुक में वीडियो डाल के पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहले आपके पास एक FB क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। तो कोई भी एक ब्राउज़र खोल के आपको इस लिंक में आ जाना है, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सीधे सीधे वहाँ से भी आप इस लिंक में आ सकते हो। तो आपको आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन या साइनअप करना है, साइनअप में क्लिक करना है। जब भी आप साइनअप पर क्लिक करेंगे, आपका अगर फेसबुक अकाउंट है तो आपको फेसबुक से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो, या फिर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपको यहाँ में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाएंगे, और वहाँ पे आपका जो फेसबुक का अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको साइनअप कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग साइनअप कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पास पहले से FB अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर साइनअप नहीं करूँगा, सीधे सीधे मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा। तो लॉगिन होने की ID और पासवर्ड आपको डालना है, और यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर देना है, तब भी आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो क्रिएटर अकाउंट है, इस क्रिएटर अकाउंट के होम पेज में आएंगे, और यहाँ पे इनसाइट में देखिए सब कुछ दिखा रहा है आपका, वीडियो को कितना टाइम दिखा हुआ है, कितना फॉलो कर रहा है, कितना पब्लिक एंगेजमेंट यहाँ पर है, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है होम पेज में। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको, अगर मैं पहले लाइब्रेरी में जाता हूँ तो देखिए हमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हो, क्योंकि मैंने एक भी वीडियो डाला नहीं है यहाँ पे। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे वो वीडियो डाल के आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग वीडियो डालते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़े, आपका पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए। अगर आपके पास फेसबुक का पेज नहीं होगा तो आप यहाँ पर वीडियो डाल नहीं सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एंगेजमेंट कितना दिखा रहा है आपका वीडियो में, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा ठीक यूट्यूब के तरह। तो इस तरह से हम लोग वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक पेज बनाएंगे इसमें, जो कि जो भी पेज अगर नहीं बनाएंगे तो आप कोई भी वीडियो इस फेसबुक में डाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पेज को बनाने के, देखिए हमें थोड़ा जो दिखा रहा है इसमें अपलोड वीडियो लिखा हो रहा है, इसमें क्लिक करके आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को वीडियो अपलोड करने के लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए, जो फेसबुक पेज होता है वो पेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग वो पेज बनाएंगे, उसको पेज को बनाने के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेज, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे टॉप साइड में दिखा रहा है, देखिए ये यहाँ पर कोई भी पेज होगा आपका, तो यहाँ में लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप क्रिएट न्यू पेज में क्लिक करेंगे तो वो सीधे सीधे आपको फेसबुक में लेके जाएगा, और यहाँ पे आपका पेज को क्रिएट करने के लिए आपके लिए ऑप्शन देगा। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है कि इसमें देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, एक बिजनेस और ब्रांड का, और एक दे रहा है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर का, ठीक है। दो ऑप्शन दे रहा है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा बिजनेस और ब्रांड है, तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस एंड ब्रांड में गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गेट स्टार्टेड करते हैं। इसमें करते ही देखिए आपको यहाँ पे पेज नेम देना पड़ेगा, जो भी आपका पेज का नाम रखना चाहते हो वो देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एक दे देते हैं नाम, डेमो के लिए मैं लिख दिया माई क्रिएशन। उसके बाद कैटागरी आपको देना है, आप क्या करना चाहते हो उस पेज में, उसका कैटागरी आपको दे देना। तो मैं वीडियो क्रिएटर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो क्रिएटर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको सीधे सीधे नेक्स्ट पेज में लेके जाएंगे, और वहाँ पे आपको कुछ नया डिटेल्स आपको दी, जैसे कि इसमें आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसमें अपलोड प्रोफाइल पिक्चर करके आप इसमें अपलोड कोई भी आपका जो भी पेज होगा उस पेज का प्रोफाइल पिक्चर आप इसमें क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो जैसे कि देखिए इसमें क्लिक करते आपको ऑप्शन दे देगा कहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल कोई भी फोटो नहीं रखना चाहता, तो मैं स्किप करता हूँ इसको। स्किप करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएगा कि उसका आपका जो पेज होगा उस पेज का बैनर कैसे आपको डालना है, ठीक उसी तरह जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं उसी तरह बैनर भी आपको अपलोड करना है। जैसे कि मुझे अभी नहीं करना है क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, मैं फ़ोटो बनाऊँगा उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। स्किप करने के बाद वो सीधे सीधे आपको लेके जाएगा पेज का जो होम पेज है उसमें चला जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पेज है
वो पेज आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वो फेसबुक में अभी आ गया है, ठीक है, पूरा फेसबुक है। और यहाँ पे आपका पूरा पेज का होम पेज दिखा रहा है, होम पेज में आपका जो आपने जो खुद पेज बनाया है नाम से, देखिए माई क्रिएशन नाम से हमें पेज बनाया हो वो पेज हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे कोई भी अगर मैं वीडियो भी डालता हूँ वो वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं फिर से वही स्टेप में चला जाता है और यहाँ में हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपने जो पेज बनाया है वो पेज आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में आपका पेज यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए मैंने जो पेज बनाया है वो पेज यहाँ पे फिलहाल आ गया, देखिए माइग्रेशन करके पेज आ गया है। और हमारा वो चैनल है उस चैनल में अभी मैं वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस करने से मेरा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए हमें अगर प्लस में मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए क्रिएट पोस्ट अपलोड वीडियो मल्टीपल वीडियो गो लाइव फिर पोस्ट वीडियो एक्रॉस पोस्ट। तो आपको क्या इसमें देखिए होम पेज में जाने के बाद आपको सीधे सीधे ऊपर में दिखाएगा, डायरेक्ट ऊपर में डायरेक्ट होम पेज में सब कुछ कर सकते हो। हमें क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, अपलोड वीडियो कर सकते हो, गो लाइव कर सकते हो। तो यह हमें आपका जो रिसेंटली पोस्ट होगा सारा पोस्ट यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं डिसमिस, हमें कर देते हैं सबको डिसमिस, इंस्टाग्राम के साथ लिंक करना है उसको डिसमिस करते हैं, ड्राइव एंगेजमेंट वो भी डिसमिस कर देते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो रिसेंट पेज होगा रिसेंट पेज में आपका सारा कुछ पोस्टिंग हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी अवॉर्ड दिया है कि हम लोग ऑनलाइन मतलब लाइव हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइट दिखा रहा है और यहाँ पे आपका बहुत सारा टैब दिया है। फिर एक टैब्स यहाँ पे है देखिए मोनेटाइजेशन का, जैसे कि फेसबुक में यूट्यूब में मोनेटाइजेशन का एक पॉलिसी होता है एलिजिबल के लिए, तो यहाँ में भी मोनेटाइजेशन का एक एलिजिबिलिटी है। देखिए मुझे अभी इन एलिजिबल दिखा रहा है, देखिए मोनेटाइजेशन विथ फेसबुक कॉन्टेंट क्रिएटर एंड पब्लिशर कैन वी वेराइटी ऑफ डिफरेंट मोनेटाइजेशन टूल्स टू अर्न मनी ऑन फेसबुक डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस एंड द काइंड ऑफ कॉन्टेंट योर पाउड्स। तो पेज जो एलिजिबिलिटी होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना है और एंगेजमेंट करना है अपने पब्लिक को, तभी आपका इनकम कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे माई क्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है नीचे इनिजिलिबल, तो आपको उसमें एलिजिबिलिटी होने के लिए फॉलोअर्स आपको कम से कम 1000 फॉलोअर्स होना चाहिए और एंगेजमेंट यहाँ में 15,000 पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। यू नीड ए 15,000 पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, उसके बाद मिनिमम मिनट व्यू होना चाहिए 1,80,000 मिनट्स आपका जो वीडियो होगा वो व्यू होना चाहिए अपना पेज में, और 1 मिनट व्यू फॉर 3 मिनट्स वीडियोज। उसमें क्या 60 डेज के अंदर आपको 30,000 मिनट आपको वॉच करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसमें वीडियो डाल के अपना पब्लिक को मैं एंगेजमेंट कर सकता हूँ। एंगेज हो जितना एंगेज ज़्यादा होगा उतना मैं वीडियो में कम पैसा कमा सकता हूँ। तो इस तो अभी हम क्या करते हैं एक वीडियो डेमो के लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो ठीक है इसमें अपलोड वीडियो में क्लिक करना है और एक सिंगल वीडियो चूज़ कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी मेरा मेरा डिवाइस से मैं एक डेमो के लिए एक वीडियो अभी डालता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते हैं, देखिए मेरा जो अभी हमें एक मुझे मैंने एक वीडियो रखा है डेमो के लिए सब्सक्राइबर बटन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कि ये इंट्रो यूट्यूब मैंने इन वीडियो में जो इंट्रो लगाता हूँ उस इंट्रो को मैं यहाँ पे अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये अपलोड होते होते मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरा वीडियो देखा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें फेसबुक जो फेसबुक में वीडियो डालते डालते समय आपको क्या करना है यहाँ पे आपका जो वीडियो का इंट्रो है वो इंट्रो दे देना है, फिर आपका जो वीडियो में जो भी चीज़ है वो इसका इंट्रोडक्शन मतलब आपका उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ हो। मैं यहाँ पे लिख दिया अपलोडिंग डेमो, उसके बाद आपको टैग डालना है जैसे हम लोग यूट्यूब में टैग डालते हैं अपना वीडियो को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे भी टैग का सिस्टम है, यहाँ पे आपको कोई भी एक टैग डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइड में लिखा हुआ है थंबनेल, यहाँ में से आप थंबनेल भी चेंज करते हो अपने कस्टमाइज थंबनेल चेंज कर सकते हो और बहुत सारे यहाँ में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और अपना वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो। तो ये अपलोड हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना है यहाँ में नेक्स्ट बटन आ रहा है, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। और देखिए वीडियो को पब्लिश करने के पहले आपको देख लेना है कि आपका वीडियो जो है 3 मिनट से ज़्यादा है या नहीं है, और आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन आपने डाला है कि नहीं है, फिर टैग आपने वीडियो में डाला है कि नहीं, आपका वीडियो क्वालिटी HD में है या नहीं। मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा जो वीडियो है वो 3 मिनट से कम है, उसके लिए वो यहाँ में आई बटन रेड का आई बटन दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखिए आपको जो आप वीडियो अभी डालना चाहते हो या पब्लिश अभी करना चाहते हो या फिर आपका शेड्यूल करके करना चाहते हो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ सेटिंग कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं अभी हमें पब्लिश कर देते हैं, मेरा जो वीडियो मैंने डाला है वो वीडियो हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद देखिए हमें थोड़ा समय
मैं जाएगा और यहाँ में योर वीडियो पोस्ट इज प्रोसेसिंग, थोड़ा समय के बाद हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे मेरे जो रिसेंट पोस्ट में है उसमें सीधे सीधे हमने जो वीडियो डाला है वो वीडियो सीधे सीधे यहाँ पे दिखा देगा। तो फिलहाल अभी भी पोस्टिंग है, देखिए हम लोग यहाँ से अगर वीडियो चूज़ कर लेते हैं, पोस्ट में से वीडियो चूज़ कर लेते हैं तो वीडियो यहाँ पर अभी दिखाएगा। देखिए यहाँ में भी आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्रिएट पोस्ट में क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। अगर हम लोग देखिए इसको मैं वीडियो अभी तक आया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं मेरा पेज को, होम पेज में क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा वीडियो आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपना वीडियो मतलब फेसबुक में अपना वीडियो डाल के बहुत से ज़्यादा हम लोग इनकम कर सकते हैं। और मोनेटाइज जैसे कि मैंने बताया पहले ही मोनेटाइजेशन में आप इन एलिजिबल है, उसके एलिजिबल होने के लिए आपको वीडियो ज़्यादा से डालना पड़ेगा और एंगेजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग फेसबुक में वीडियो डाल के भी पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब की तरह, और इसमें यूट्यूब से कम परेशानी है क्योंकि इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।